हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल हैं? क्या चल रहा है? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक जे विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लो और आप हमसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? माय डियर, आप सोच रहे हो कि क्यों कनेक्ट हो, क्या बेनिफिट्स हैं? तो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस ऐप से कनेक्ट होने के। सबसे पहला बेनिफिट है यार, डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे कनेक्ट करती है ऑन लाइव के बेसिस पे, 1-to-1 इंटरेक्शन करवाती है, जहाँ पे आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चंस और आंसर्स में हम पोलिंग करते हैं। पोलिंग करने में हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि कितने सेकंड्स में सही किए गए सवाल हैं, क्योंकि यार टाइम का बहुत बड़ा रोल है। सवाल तो सब लोग करते हैं, लेकिन कितने कम टाइम में कितना एक्यूरेट आंसर देते हैं, उसी की जीत है एग्जाम, ठीक है? नेक्स्ट इज यार, लाइव टेस्ट एंड क्विज। नॉर्मली होता क्या है, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो इस बात का ध्यान ना रखते हुए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो, आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो, आप क्वेश्चंस कितने कर रहे हो, आपके प्राइमरी मेमोरी, आपके सेकेंडरी मेमोरी में कितना एक्टिवेशन है आपस में, ठीक है? इस चीज़ को जानने के लिए, चीज़ को समझने के लिए मेरा मानना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट इंक्रीज देना पड़ेगा। ऐसा करने से आपके अपने परफॉर्मेंस का पता चलेगा, आप उसकी एनालिसिस कर पाओगे, उससे आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं उसका पता चलेगा, एंड आप उस पर काम करोगे, ठीक है? तो लाइव टेस्ट इंक्रीज देने का मौका आपको हमारे साथ मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है वो एक कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स बोले तो आप जब क्लास में घुसते हो तो आपको DPP मिलेगी, उस DPP को सॉल्व करोगे, फिर उस DPP के डाउट्स मिलेंगे होंगे, तो डाउट को सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट DPP, एंड चलते चलते फिर आप माइनर टेस्ट दोगे, फिर आप मेजर टेस्ट दोगे। तो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है। स्ट्रक्चर्ड का फ़ायदा ये है बच्चे मेरे कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक कम्फर्टेबिलिटी लगेगा कि हाँ यार ये सब मुझे आता है, ठीक है? आपका अपने फिक्स शेड्यूल होगा, फिक्स टाइम टेबल होगा, जिसमें आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकोगे, ठीक है? हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं पूरे प्री डिसाइडेड होती हैं, सो दैट इसका फिक्स टाइम टेबल होता है कि आप हमसे इतने बजे कनेक्ट होते हैं। इससे आपकी और क्लासेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक? नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का फायदा क्या है कि इनकेस अगर आप हमसे डेली लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो, या किसी रीजन से आपकी आज लाइव क्लास मिस हो गई, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, या आपको कहीं जाना पड़ा, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने का मौका मिलेगा। आप जितनी बार रिकॉर्डिंग क्लास को देखना चाहते हो आप देख सकते हो। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस का दूसरा फायदा ये है कि हमारे अनअकैडमी टीम में एन नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं। आप एन नंबर ऑफ फैकल्टीज से पढ़ सकते हो। इट मींस केमिस्ट्री आप 5 से पढ़ो, 6 से पढ़ो, फिजिक्स 10 से पढ़ो, मैथ्स 12 से पढ़ो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे उसी क्लास में घुस जाओ, ठीक है? आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है? इस अनलिमिटेड एक्सेस का फायदा ये है, ठीक है? हमसे जुड़ने के लिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी बहुत ही कम, बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। उस फीस कितनी है तो देखिए, मैं अफोर्डेबल इकोनॉमिकल पहले तो क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो बच्चे मेरे, नॉर्मली जो होता है, जो अगर मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात करूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो करीबन 7 साल का जो है वो 1.25 लाख के करीब ले जाते होंगे, अप्रॉक्स। वहीं पर हम आपसे ऑनली एंड ऑनली कितना मांगते हैं, 30K मांगते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट चाहिए, दिस इज माई कोड माई डियर, माई कोड इज धीरेन, दैट इज DHIREN। इस कोड को आप यूज़ करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो, ठीक है? इस डिस्काउंट के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 27K में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो एक साथ, दैट इज PCM। इसके अलावा आप एन नंबर ऑफ फैकल्टी से कनेक्ट होते हो, तो सोचो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती यार, इससे इकोनॉमिकल कुछ नहीं हो सकता, इससे अफोर्डेबल कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है। और इसके अलावा बेटा अगर आप 11th के स्टूडेंट हो और आपका 2 साल का प्लान है, या आप 12th के हो और आपका ड्रॉप आउट का भी प्लान है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 24 मंथ और 12 मंथ में डिफरेंस आप ज़रा चेक करो तो ऑलमोस्ट नियरली सिर्फ 5K का है, दैट इज 5000 का है। इस 5000 को एक्स्ट्रा पे करके आप हमसे 12 मंथ की जगह 24 मंथ कनेक्ट हो रहे हो, मतलब पूरा 1 साल एक्स्ट्रा, 12 महीने आप एक्स्ट्रा और कनेक्ट हो पा रहे हो। जितना ज़्यादा आप हमसे कनेक्टिविटी रखोगे, उतनी हम और मिल के आपकी बेस्ट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि इस अमाउंट को आप एक साथ नहीं पे कर पा रहे हो, तो हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। EMI ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, इसके बेसिस पे EMI ऑप्शन है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। अगर आप EMI देखोगे तो जो पर मंथ की EMI आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 1350, दैट इज 1350 में 3 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, तो अमूमन 1 सब्जेक्ट 500 रुपये से भी कम पड़ा यार पर मंथ का, 500 रुपये से भी कम पर मंथ कौन पढ़ाता होगा, कौन आएगा आपको पढ़ाने, वो भी एन नंबर ऑफ फैकल्टी से पढ़ो यार, आपकी मर्जी है जिससे पढ़ो, जितनी बार पढ़ो, जितनी बार रिकॉर्डेड देखो, वो भी सिर्फ 500 रुपये से भी कम पर महीना पर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, मेरी बात सुनना आ रही है, ठीक है। आई होप आप इसको ज्वाइन करोगे फटाफट और हमारे कोर्स का फायदा उठाओगे, बेनिफिट्स का, जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। माय डियर, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज प्लान कर रखी है जिसमें मैं हमेशा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस कराता हूँ। इसी टॉपिक के दौरान मैं आइसोमर्जम पढ़ा रहा हूँ और आज इस आइसोमर्जम का पार्ट 10 लॉन्च होने वाला है। पार्ट 10 होने का मतलब 1 से लेकर पार्ट 9 का एंड अप हो चुका होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो पार्ट 10 देख रहे हैं वो 1 से 9 को भी जरूर देखें, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में क्या हो रहा है, ठीक है। आज के इस पार्ट में अपन लोग शुरू करेंगे, इस टॉपिक का नाम है कन्फर्मेशन आइसोमर्स, ठीक है। इससे पहले हमने कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स पढ़ा था, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल के बारे में पढ़ा था, हमने ऑप्टिकल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स। क्या है कन्फर्मेशन आइसोमर्स, जितना इमेजिनरी व्यू आप कर सकते हो मेरे साथ करना, जितने टूल्स का मैं फायदा उठा पाऊंगा मैं उतना यूज करूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स को। माइगे कन्फर्मेशन आइसोमर को सुनने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक ये एक अरेंजमेंट है, इनफाइनाइट अरेंजमेंट है, ठीक है। अराइज क्यों होता है, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का रोटेशन होता है, ठीक है, बिटवीन द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम, सो दैट आप उसकी एनर्जी को मिनिमाइज कर सको और स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सको, ठीक है। ये हमेशा फ्री रोटेशन की वजह से होता है, इसका जो मेन रीजन है वो है रोटेशन ड्यू टू फ्री रोटेशन। अब आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे, ध्यान से देखना, ये मान लो मेरा एक पैटर्न है, इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बुलाते हो, मैंने बहुत बार बताया भी हुआ है, आज भी थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। अब आप देख सकते हो मैं कितनी बार इसको घुमा सकता हूँ, मेरी मर्जी। पहले मैं वाइट को यहाँ, ऑरेंज को यहाँ कर सकता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ कर सकता हूँ, जितने कन्फर्मेशन मेरे पास पॉसिबल हैं, जितना मेरे अरेंजमेंट पॉसिबल है मैं दिखा सकता हूँ। इसलिए इसका नाम है कि इनफाइनाइट अरेंजमेंट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या है कि जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इनके बीच में जो रोटेशन है वो फ्री रोटेशन है, सॉरी। नहीं तो हम लोग जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में पढ़े थे, याद करो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में पढ़ा था, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं, याद करो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से ये मूव नहीं करते थे। लेकिन कन्फर्मेशन आइसोमर्स में आपको पता है कि यहाँ बेटा फ्री रोटेशन होते हैं, बॉन्ड ईजिली मूव कर जाता है इधर से इधर, ठीक है, बॉन्ड का आराम से मूवमेंट पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसी में हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स। तो इसका जो बेसिक की है, जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, द आंसर इज द फ्री रोटेशन अलॉन्ग द बॉन्ड, बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन होना ही इसका एक ड्राइविंग फोर्स है। इस वजह से मॉलिक्यूल अपने इनफाइनाइट अरेंजमेंट, इनफाइनाइट पैटर्न्स क्रिएट कर सकता है, इसी फिनोमेना को अपन लोग बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स, ठीक है। इसको हम लोग जैसे कन्फर्मर्स बोलते हैं, कन्फर्मर्स को कुछ बुक्स हो सकता है कि रोटेशनल आइसोमर्स के नाम भी देते हैं, ठीक है। रोटेशनल आइसोमर्स क्यों, क्योंकि ये रोटेशन हो रहा है, क्योंकि ये रोटेशन हो रहा है इसलिए ये रोटेशन आइसोमर भी कैटेगरी में भी आएगा, ठीक है, ओके। तो
कन्फर्मेशंस फाइनली क्या होता है, जो हमने कन्फर्मेशन आइसोमर पढ़े इसके फिनोमेना को हम लोग कन्फर्मेशंस बुलाते हैं। तो कन्फर्मर्स जो हमने पढ़ा जिसमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन की वजह से मूवमेंट हो रहा है, बॉन्ड कभी ऐसे है तो कभी ऐसे है, इसका मूवमेंट आप दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है। ये फ्री रोटेशन है, चूँकि ये फ्री रोटेशन है इसलिए बॉन्ड ईजिली रोटेट कर जा रहा है और मूव कर जा रहा है, ठीक है। इसी अरेंजमेंट को अपन लोग बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी के दौरान जो आज सबसे पहले शुरू करने वाले हैं वो हल्का हल्का बता देता हूँ, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन डायग्राम। मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने 2D पैटर्न को 3D पैटर्न में लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस का सहारा लिया है। उसमें एक प्रोजेक्शन है जिसका नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ये है मेरे सामने न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होता है कि ये जो कार्बन होते हैं, अब आप देख पा रहे होंगे कि एक आपको दिखाई दे रहा है और पीछे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में मुझे पीछे वाला दिखाई दे रहा है, मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये इसकी कन्फर्मेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। और आगे याद करो, अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच आउट कर दूँ, अगर मैं इसको बाहर खींच दूँ तो क्या बन जाते हैं, सॉल्ट बन जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखते हो कन्फर्मेशन आइसोमर्स में जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, यहाँ पर फ्री रोटेशन है और यहाँ पर बेटा क्या है, फ्री रोटेशन है। अगर मैं मानता हूँ ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, थोड़ी देर पे ये मेरा डी है, ये मेरा ई है और ये मेरा एफ है, तो मैं इसको मूव करा सकता हूँ कुछ ऐसे और कंडीशन कुछ ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। डी को उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है, यहाँ आपके आपके आ जाए, एफ आ जाए, यहाँ आपका ई आ जाए, ए सी और बी अपनी जगह फिक्स्ड है। तो ये क्या देख रहे हो आप, फ्री रोटेशन की वजह से मूवमेंट देख रहे हो, ठीक है। देखो बॉन्ड को मैंने ब्रेक भी कर दिया नए बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो आपको दो चीज नजर आ रहेगी, एक आपको ये डार्क लाइन नजर आएगी जो कि आपके फ्रंट में होगी, और ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आएगा ये बैक ऑफ द कार्बन होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं थोड़ी देर के स्ट्रक्चर बनाता हूँ कुछ ऐसा, तो बेटा ए बी सी मान लेना, ये डी, ये ई और ये एफ, तो ए बी और सी जो भी हमारे सामने है ये आपके फ्रंट में है, यह मान के चलेंगे हमारे किसमें फ्रंट में है, जबकि ई एफ और डी, डी ई एफ जो भी हैं ये हमारे किसमें है बैक में है। तो यहाँ का जो पैटर्न होगा वो हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा डी। यहाँ का हो जाएगा बेटा, अगर मैं उल्टा बना रहा हूँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, ए ये बी और ई सी। तो आप देख पा रहे हो जो आपको दिख रहा है आपको कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। तो ये आपको तीन फ्रंट में नजर आ रहे हैं और ये आपके तीन बैक में नजर आ रहा है, ठीक है। बैक वाला आपको पीछे से इतना ही दिख रहा है, पीछे का कार्बन दिखाई नहीं देगा, जबकि फ्रंट में सब कुछ दिखाई देगा इंक्लूडिंग कार्बन, ठीक है। ये हमारे न्यूमैन प्रोजेक्शन होते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस पीछे कर चुका हूँ इसलिए ज़्यादा डिस्कस पर नहीं कर रहा हूँ। मैंने इंटरकन्वर्टिबिलिटी बताई है, कैसे आप यहाँ से यहाँ इंटरकन्वर्ट कर सकते हो और हो सकते हो, ठीक है। ओके, बट इसमें कुछ छोटी मोटी बातें जाननी जरूरी हैं, आज थोड़ा नया कुछ सीखेंगे। मान लीजिएगा कि ये मेरे कार्बन कार्बन है और कार्बन में एक एक्स पैटर्न है, एक वाई पैटर्न है, ठीक है। एक नई चीज सीखी, डायहेड्रल एंगल। देखिए ये आप एंगल देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे मान लीजिए ये ऑरेंज ऑरेंज है, तो इस ऑरेंज ऑरेंज के बीच में अभी एंगल कितना दिख रहा है आपको, जीरो का दिख रहा है। मैं हल्का सा इस ऑरेंज को यहाँ करता हूँ तो आपका एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे किया तो एंगल कितना हो गया, सिर्फ ऑरेंज पे ध्यान दीजिएगा, वो 120 हो गया, और लास्ट में ऑरेंज ऑरेंज कितना हो गया, 180 हो गया। तो डायहेड्रल एंगल होता क्या है, बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है, जो ये जो आप बॉन्ड्स देख रहे हो इनके बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, अलोंग द सी सी बॉन्ड, अलोंग द सी सी बॉन्ड, या इसको पर लोग बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, ठीक है। अभी ये 60 पे है, कोई अगर एक्स और वाई यहाँ हो जाए, एक्स और वाई यहाँ हो जाए तो ये 120 पे हो जाएगा, और अगर यही चीज एक्स यहाँ और वाई यहाँ हो जाएगा तो ये एंगल 180 पे चला जाएगा। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल, ठीक है। पहले ये वर्ड याद रखेंगे आप, ठीक है। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। क्या बोला, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, सबसे पहला है हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन। अंग्रेजी भाषा में बात करें तो अच्छा आपको बेसिक समझा दूं, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये जो बॉन्ड देख रहे हो, ये
यहाँ पे ध्यान देना, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, आप ये जो बॉन्ड देख रहे हो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्जन होगा, जो स्ट्रेन पैदा होगा, उसको अपन लोग बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। और चूंकि अगर मान लेना ये मेरा एक्लिप्स है, तो इसको एप्लिकल स्ट्रेन भी बुलाते हैं, देख सकते हो। यही चीज अगर मैं ऑरेंज वाले को पूरी तरह पलट दूं, तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेन ना के बराबर, स्ट्रेन खत्म हो गया, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दूर दूर हो गए। आपने हमेशा पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर दूर होंगे तो रिपल्जन कम से कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये अपने जीरो डिग्री पे बैठा है, ऑरेंज ऑरेंज वाला अपने जीरो डिग्री बैठा है, तो ये बॉन्ड एकदम फ्रंट पे है, ये बॉन्ड आप देख पा रहे हो, तो इनके बीच में क्या है, देख सकते हो ये ऐसे खुला हुआ है, खुल जा रहा है, बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, स्ट्रेन पड़ रहा है यहाँ पे बॉन्ड पे, ठीक है। इसी स्ट्रेन को अपन लोग क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो एक ही भाषा में याद रखना, स्ट्रेन बिटवीन द strains between the electrons of the two bond, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा वंडरवॉल स्ट्रेन। वंडरवॉल स्ट्रेन इस एटम और ग्रुप ऑफ एटम में होता है, जैसे यहाँ पे आप ऑरेंज ऑरेंज देख रहे हो ना, तो ये ऑरेंज ऑरेंज मेरी दो एटम से मान लेना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो अपनी मर्जी हो मान लो, तो इनके बीच में जो स्ट्रेन पैदा होगा, इनके बीच में जो स्ट्रेन पैदा होगा इस एटम के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग वंडरवॉल स्ट्रेन, ठीक है। या कुछ बुक्स को स्टेरिक स्ट्रेन भी बुलाती हैं, क्या बुलाती हैं, स्टेरिक स्ट्रेन बुलाती हैं। अब आप देखो यहाँ पे जीरो पे थे, अब आप इसको 180 पे करो तो ये स्ट्रेन एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 180 पे आपका टॉर्शनल स्ट्रेन भी घट जा रहा है और वंडरवॉल स्ट्रेन भी घट जा रहा है। तो बेसिक याद रखना, वंडरवॉल स्ट्रेन हमेशा बिटवीन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है, बिटवीन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है कि कोशिश करो कि ये एक से दूर से दूर हो सके, सो दैट रिपल्जन कम से कम हो सके। रिपल्जन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर रिपल्जन ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक है। तो हमने दो बातें सीखी, एक स्ट्रेन सीखा विद इन द बॉन्ड, ये बॉन्ड के बीच में सीखा, और एक सीखा हमने एटम्स के बीच में। तो अगर बॉन्ड के बीच में स्ट्रेन है तो उसको टॉर्शनल स्ट्रेन, और एटम के बीच में स्ट्रेन है तो उसको अपन लोग वंडरवॉल स्ट्रेन बुलाएंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं कि इनके कंफर्मेशन का एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द इथेन या एनालिसिस ऑफ द कंफर्मेशन आइसोमर्स। मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक सेकंड बस रुकिएगा, मैं कुछ एटम्स का रिप्लेसमेंट कर देता हूँ, आपको इथेन समझा देता हूँ। इथेन का आप अच्छी तरह जानते हो, इथेन में सारे एनवायरमेंट एक जैसे होंगे, ठीक है। एक सेकंड, देखो ये मेरा इथेन है, एक समझ जाओगे सब समझ जाओगे, ठीक है। ये मेरा इथेन है, ठीक है, ये दो कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन है। मैं इसको C2H6 बुला सकता हूँ, देखो जैसा है CC, बाकी वैलेंसी H से पूरी की हुई है, ठीक है ना। अब देखो उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म और एक होता है स्टेगर्ड फॉर्म। ये जब पलट जाएगा, जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री का होगा, तो इसको बोलेंगे अपन लोग स्टेगर्ड कंफॉर्मेशन। एक्लिप्स वर्ड कहाँ से आया है, एक्लिप्स वर्ड आया है एक्लिप्स मून से। मून होता है ना कि भाई सूरज और चांद एक दूसरे के पीछे आगे, ठीक है, ऐसा होता है ना, ये बनता है ना ऐसा, तो ये है हमारा एकदम एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं एक्लिप्स मून निकला। तो आपको फ्रंट का दिखाई देगा, बैक का दिखाई नहीं देगा, जबकि जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये मूवमेंट कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब आप लॉजिक सोचो कि मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक कहाँ रहेगा, एक्लिप्स फॉर्म में रहेगा या स्टेगर्ड फॉर्म में। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट ना के बराबर रहेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इनके बीच में जो पोटेंशियल बैरियर आ रहा है दो आइसोमर्स के बीच में, वो कितना आ रहा है, 12.5 किलो जूल पर मोल का। इसकी हिंदी हुई कि ये जब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा तो 12.5 किलो जूल की हीट रिलीज करेगा, और आपको पता है
जितना ज़्यादा हीट रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है। तो आप बस इतना याद रखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डायहेड्रल एंगल, ठीक है, ये एटम देख रहे हैं वंडरवॉल स्ट्रेन, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। अगर मैं एंटी की बात करता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हो मैं ऐसे चाहे ऐसे कर दिया, चाहे आप अगर पूरा पलटना चाहो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आप दिखा नहीं सकते हो। ओके ओके, तो तीन एटम आपको फ्रंट में दिख रहे हैं कार्बन के साथ, और तीन बैक में दिख रहे हैं, तो उनके बीच में जो एनर्जी गैप डिफरेंस है वो कितना है, 12.5 किलो जूल पर मोल का है। यहाँ पे कुछ वही बकवास लिखी हुई है हमने कि पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम होती है एनर्जी किसमें, स्टेगर्ड में, ठीक है। और ऐसा ही तभी हो सकता है जब आप उसको रोटेशन कराते हो, जबकि यही चीज़ एक्लिप्स में थोड़ी मैक्सिमम होती है। ये सब फालतू चीज़ें, मतलब पढ़ लेना आप यार, ठीक है। ओके चलिए, अब ये है, इसको बोलते हैं अपन लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, ये एक डायहेड्रल एंगल वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ग्राफ क्रिएट होता है, और इस ग्राफ से हम लोग देखते हैं कौन कितना स्टेबल है। तो देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें तो दो ही फॉर्म बनेंगे। मैंने क्या कहा था कि पहला है आपका कौन सा, ये है, और दूसरा अगर आप इसको मूव करते हो ऐसे, तो अगर आप इसको ऐसे मूव करते हो, हल्का सा ऐसे मूव देते हो, 60 मूव कर रहे हो तो यहाँ पहुँच रहे हो। तो पहले आप किस फॉर्म में थे बेटा, एक्लिप्स फॉर्म में थे, फिर आपने हल्का सा रोटेशन लिया 60 का, तो आप याद रखना जब भी रोटेशन लेते हैं तो एक को होल्ड करते हैं, एक को वेरी करते हैं। मतलब क्या है, आप फ्रंट वाले को रोके रहो, अपने फ्रंट वाले को रोके रहो और बैक वाले को वेरी करो। तो पहले ये आया और फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसे चलता चला जाएगा। तो क्या ये कम्प्लीटली 360 का एंगल कवर करेगा, लेकिन हर जगह आप ये देखो एनर्जी गैप देखो सेम है। जब आप एक्लिप्स से स्टेगर्ड में आ रहे हो तो एनर्जी कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना 12.5 का। फिर आप यहाँ से वापस किस में जा रहे हो, एक्लिप्स में, फिर स्टेगर्ड में, फिर एक्लिप्स में, एंड करते करते आप पूरा 360 का चक्कर लगाते हो। आप पूरे चक्कर में ये पाते हो कि एक्लिप्स और स्टेगर्ड के बीच में जो एनर्जी गैप है कितना है, 12.5 किलो जूल पर मोल का है। इसकी हिंदी हुई कि जो ज़्यादा स्टेबल हुआ वो कौन सा हुआ, हमारा स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। तो जो हमारा स्टेगर्ड फॉर्म है वो एक्लिप्स फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होगे, ठीक। क्या बढ़ें आगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आए क्या, ठीक है। अगला कन्फर्मेशन आइसोमर है प्रोपेन के अंदर। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान सुनिएगा। प्रोपेन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये मेरा प्रोपेन है, CH3, CH2 और CH3। यहाँ पे कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये आपका प्रोपेन है। डिपेंड करता है आप कहाँ से एंगल कंसिडर कर रहे हो। मैं मान के चल रहा हूँ 2 और 3 वाला है, 2 वाला फ्रंट है और 3 वाला बैक है। तो इस 2 वाले के साथ एक क्या लगा है, हाइड्रोजन, दूसरा भी क्या लगा है, हाइड्रोजन, और एक क्या लगा है, मिथाइल, ठीक है। 3 वाले के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। मैं काम करता हूँ और कुछ नहीं करता, एक को रिप्लेस कर देता हूँ इससे, ए मान लीजिएगा ये मैंने ब्लैक बॉल से रिप्लेस किया। इमेजिन कर पाएंगे क्या आप कि ये जो मेरी ब्लैक बॉल है ये मेरी एक मिथाइल है, ठीक है। ओके क्लियर कट है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन के अंदर। अब आपके अब क्या करना है, एक को होल्ड करना है और दूसरे को वैरी करना है। अभी पहले कुछ ऐसी कंडीशन थी, फिर ऐसी मूव होती चली जाएगी, होती चली जाएगी ना भाई। एक आपको फॉर्म ये मिला और एक आपको फॉर्म ये मिलेगा। मैं फ्रंट वाले को नहीं हिला रहा और लेकिन बैक वाले को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लॉजिक सोचो, इक्विलिब्रियम किस तरह ज़्यादा रहेगा, यहाँ ज़्यादा रहेगा, स्ट्रक्चर कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेगा, यहाँ पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रिपल्जन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एंगल ना के बराबर है, 0 का एंगल है, जबकि यहीं पर आप देखो इनके बीच में एंगल कितने का है, 60 डिग्री का एंगल है। फिर वही बात, रिपल्जन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे जो आपको दो तरह के स्ट्रेन फील हो रहे हैं, एक टॉर्सनल स्ट्रेन और एक वंडरवॉल स्ट्रेन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होंगी कि टॉर्सनल स्ट्रेन कैसे देख रहा हूँ मैं और वंडरवॉल स्ट्रेन में कैसे देख रहा हूँ, जबकि यहाँ पे वो थोड़ा सा कम हो गया होगा क्योंकि वो दूर जा चुके हैं। ओके कट है। तो यहाँ पे भी दो ही फॉर्म पॉसिबल होते हैं, एक एक्लिप्स फॉर्म पॉसिबल होता है और एक स्टेगर्ड फॉर्म पॉसिबल होता है।
एक्लिप्स कब बोलते हैं, जब मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, पीछे वाले को 60 डिग्री का रोटेशन दिया, रोटेशन देने से ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा यहाँ दिखाओ, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, और फिर आपने किया एंड सो ऑन करते चले जाओगे तो आपको एनर्जी गैप पता चलता चला जाएगा। अब आप बताओ, अब आप लॉजिक सोचो कि यहाँ एंगल कितने का है, 60 का है, यहाँ एंगल कितने का है, 0 का है, ठीक है। ओवरऑल आप यहाँ से यहाँ गए तो हो 180 का, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 का हो गया। मिथाइल की अगर एंगल देखें तो मिथाइल का एंगल पहली पोजीशन से आखिरी पोजीशन में 180 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो अगेन स्टेगर्ड फॉर्म जो है बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एक्लिप्स फॉर्म से, होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इस बार जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा और ज़्यादा है, ठीक है। एनर्जी गैप निकालते कैसे हैं, तो ये इसका कौन सा फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, ये इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इसका स्टेगर्ड फॉर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्टेगर्ड और एक्लिप्स के बीच में यहाँ पे देखो एंगल दे रखा है 0 60 का, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ स्टार्टअप ले रहा हूँ, ठीक है। फिर ये आया आप 120, यहाँ पहुँचे आप, और फिर आगे बढ़ जाओगे तो आपको फिर वापस ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो स्टेगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड, ये तीन फॉर्म आपको नजर आएंगे। स्टेगर्ड और एक्लिप्स के बीच में इस बार का जो गैप है कितना बेटा, 13.8 किलो जूल पर मोल का, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे कन्फर्मेशन के साथ मूवमेंट दिखा रहा हूँ, कैसे मैं स्टेगर्ड और एक्लिप्स डिफरेंस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा, इसको बोलते हैं अपन लोग साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के लिए मैं एक बॉन्ड फिर से रिप्लेस करता हूँ, और वो बॉन्ड रिप्लेस मार्क कर रहा हूँ फिर से एक कार्बन से। बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से आप मूवमेंट दिखा रहे हो। पहले तो मैं बना देता हूँ, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, सॉरी प्योर ब्यूटेन है, ये आपका एन ब्यूटेन है। अब ये आपने नंबर वन किया, ये टू किया, ये थ्री किया, ये फोर किया, यहाँ पे कहानी आपके साइड से डिसाइड होगी कि कहाँ से आप मूवमेंट चाहते हो। आप मूवमेंट C1 और C2 का भी कर सकते हो, आप मूवमेंट C2 और C3 का भी कर सकते हो, ठीक है। C1 C2 का और C3 C4 का बात एक ही, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो आपकी मर्जी है मूवमेंट आप कहाँ से लेते हो। अभी जो मैं मूवमेंट कंसिडर करने जा रहा हूँ वो C2 और C3 करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप C1 C2 भी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बार बस देख लो, अगर आप C1 C2 करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक कार्बन है यहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरे का हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये पूरा एक ग्रुप लग जाएगा, इसको इथाइल ग्रुप बोलेंगे, शॉर्टकट में ईडी लिखना। ये C1 और C2 के अरेंजमेंट से ऐसा होगा, लेकिन अगर यही अरेंजमेंट C2 और C3 के टर्म्स में समझें तो देख लेते हैं, यहाँ के टर्म्स में समझ रहे हैं। एक कार्बन फ्रंट में, एक कार्बन बैक में, जो फ्रंट वाला है, जो फ्रंट वाला है उसके साथ मान लेते हैं दो हाइड्रोजन लगा है और एक मिथाइल लगा है, और ये बैक वाला है यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा है और दो हाइड्रोजन लगा है। आप अरेंजमेंट देख पा रहे हो, जब आप C1 C2 पे हो तो आपको इथाइल नजर आ रहा है, जब आप C2 C3 पे हो तो आपको दो डिफरेंट मिथाइल नजर आ रहा है। आ रहे नजर, मेरी बात समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना, इसका अपन लोग मूवमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। मूवमेंट कैसे करेंगे, मैं मूवमेंट करा रहा हूँ C2 C3। सबसे पहले इमेजिन आपको ये करना है कि ये आपका सबसे पहला फॉर्म है, आपका एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। एक्लिप्स के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको लिखा है फुली एक्लिप्स्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्लिप्स एंड फुली एक्लिप्स्ड, इसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानते हैं कोई चीज एक्लिप्स्ड है और कोई चीज फुली एक्लिप्स्ड है। तो देखो, जब ये दोनों मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे अपना रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। जब ये दोनों मिथाइल ग्रुप, ये देखो कि जब दोनों मिथाइल ग्रुप जो है आपके एकदम एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है, मतलब इनके बीच में डायहेड्रल एंगल जो होगा 0 होगा, वैन डर वाल स्ट्रेन सबसे तगड़ा होगा, डायहेड्रल स्ट्रेन भी सबसे तगड़ा होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अपन लोग फुली एक्लिप्स्ड।
अब मैं क्या करूँगा, आपके सामने है फ्रंट को होल्ड किए रहना, बैक को घुमाना, मैंने बैक को 60 घुमाया ऐसे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इन दो ब्लैक बॉल्स पे ध्यान देना जहाँ मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे मिथाइल्स खूब जा रहे हो, ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो रिपल्जन तगड़ा होगा, होगा नहीं बहुत तगड़ा होगा, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको एंगल से रिलीफ मिला, पहले आप जीरो के एंगल पे थे, अब आप 60 के एंगल पे हो तो रिलीफ थोड़ा मिला। मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये ज़्यादा इधर रहेगा, इधर कम रहेगा, हाँ यार, ठीक है। अब आप यहाँ पहुँचे हो, पहले आप यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पहुँचे। जब दो मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं, जब दो मिथाइल ग्रुप, इनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं अपन लोग पार्शियली एक्लिप्स, या आगे चल के उसको बोलेंगे गॉज। एक बाबा गॉज थे, उनके नाम पे आया है। अब इसको खींचेंगे तो सिखाएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, डेप्थ गॉज के बारे में, बस आप अभी याद रखो उसको अपन लोग गॉज बुलाते हैं, ठीक है। अब आप 60 से वापस मूवमेंट लो, तो वापस लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, देख पा रहे हो, ये एक्लिप्स फिर से बन गया है, लेकिन इस बार इसने नाम दिया है पार्शली एक्लिप्स। डिफरेंस अब पकड़ पाओगे फुली और पार्शली। देखते हो यहाँ इसने फुली बोला है और यहाँ इसको पार्शली बोला है। फुली कब होगा, जब दोनों मिथाइल एक के ऊपर एक होंगे, सॉरी फुली कब होगा, जब दोनों मिथाइल एक के ऊपर एक होंगे, और पार्शली कब होगा, जब मिथाइल हाइड्रोजन है। और इसके बाद क्योंकि लास्ट स्टेबिलिटी आ जाती है, इसको मैं पकड़ रहा हूँ और इसको नीचे वाला घुमा रहा हूँ। देखो सबसे मिनिमम रिपल्जन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ आने वाली है, क्योंकि अपोजिट में है, इसलिए इस वर्ड को बोलते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं एंटी, या इसको कुछ बुक्स फुली स्टैगर्ड भी बुलाती हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस क्या है, एंटी, ठीक है, ओके। अब तो कुछ नहीं है, फिर आप यहाँ से जब यहाँ घूमोगे तो वापस आपको फिर से क्या नज़र आएगा, एक बार दोबारा एक्लिप्स नज़र आएगा, और फिर अगर यहाँ जाओगे तो आपको एक बार गॉज और नज़र आएगा, और फाइनली 360 का रोटेशन जब पूरा कर लोगे कंप्लीट तो आपको फुली एक्लिप्स नज़र आएगा। तो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जब आप 0 डिग्री से कंप्लीट 360 डिग्री का चक्कर लगाओगे तो फुली एक्लिप्स कितने नज़र आएंगे, 2 नज़र आएंगे। पार्शली एक्लिप्स कितने नज़र आएंगे, 2 नज़र आएंगे, ठीक है। गॉज में कितना नज़र आएगा, तो इसको गॉज भी बुलाते हैं, इसको स्क्यू भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, स्क्यू, SKEW, ये भी कितने नज़र आएंगे, 2, ठीक है, ओके। पूरा 360 कंप्लीट जहाँ से खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे मैं 360 पे पूरी तरह नहीं हूँ, अभी देखो यहाँ पे 60 60 60, फिर 60 यहाँ से, फिर से 60 और ये 60, 1 2 3 4 5 300 है। एक और रोटेशन लो तब जाके 360 कवर करोगे। तो 0 360 में 2 फुली एक्लिप्स, 2 पार्शली एक्लिप्स, 2 स्क्यू, और एक आपको जो मिलेगा वो होगा आपका एंटी। मतलब अब आपको स्टेबिलिटी में खूब मजा आने वाला है। अब आप लॉजिकली लो सोचो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बट ऑब्वियसली यार एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि एंटी में ये जो दो मिथाइल ग्रुप देख रहे हो ये एकदम अपोजिट अपोजिट है या नहीं, इसलिए इसको अपन लोगों ने एंटी नाम दिया। लेकिन सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, वो आपका फुली एक्लिप्स होगा, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं, तो डायग्राम कुछ ये कहता है, ठीक है, हमको डायग्राम क्या कहता है, ठीक है, हमको डायग्राम क्या कहता है, हमको डायग्राम ये कहता है कि आप सबसे पहले किस पे हो, एक्लिप्स पे हो। अब देखना यहाँ पे वेरिएबल एनर्जी गैप आएगा, जबकि इथेन में या प्रोपेन में एनर्जी गैप वेरिएबल नहीं था, यहाँ पे आपको एनर्जी गैप अलग अलग नज़र आएगा। देखो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये हमारा फुली एक्लिप्स्ड है, तो ये मेरा फुली एक्लिप्स्ड है, तो फुली एक्लिप्स से मैं 60 का रोटेशन लिया, मैं कहाँ पहुँचा, गॉज पे पहुँचा, बट ऑब्वियस है। तो आप देखो यहाँ से सीधे आप यहाँ आके अटके ए यहाँ पे। अब देखो ग्राउंड लेवल से एनर्जी को नाप लो यहाँ पे, तो अगर मुझे एनर्जी डिफरेंस निकालना भी होगा तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये देखो ये एनर्जी एकदम ग्राउंड से है, ठीक है, और अभी पूरी तरह ग्राउंड को टच नहीं करेगा,
क्योंकि उतना स्टेबल नहीं जितना एंटी स्टेबल, अभी आएंगे एंटी पे। तो देखो यहाँ का पूरा कितना है 19.19, ठीक है, और आप इसमें क्या कर रहे हो 3.8 माइनस कर दो, 3.8 देख सकते हो ये यहाँ तक का है। तो इसमें अगर मुझे रोटेशन निकालना हो कि कितना एनर्जी डिफरेंस आया होगा तो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, 15.2 का। तो ये जो एनर्जी गैप है जो कि मुझे, क्योंकि तो मुझे एक्लिप्स से कहाँ लेके गया, कॉज लेके गया, तो वो कितना है 15.8। इस एनर्जी को उसने लॉस किया होगा तब वो यहाँ पे आके अटका होगा। देखो पूछता है एग्जाम में कि कितनी एनर्जी का लॉस किया गया है, जो भाई एक्लिप्स से आपके गॉज फॉर्म में पहुँचा है, जो आपके एक्लिप्स से आपके गॉज फॉर्म में पहुँचा है तो कुछ एनर्जी का लॉस आया होगा, वो कितना आया, ठीक है, वो आया होगा पहले कितना एनर्जी थी ग्राउंड लेवल से, अब कितनी एनर्जी हो गई ग्राउंड लेवल से, यहाँ पे आके अटका है, तो गैप डिफरेंस ये नज़र आ रहा है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। प्लीज़ ये मत बोल देना कि 19 का गैप आया है, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड को टच नहीं कर रहा, ये ग्राफ यहाँ आकर रुक रहा है, ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद फिर से उसने अगला रोटेशन लिया होगा जो कि पार्शली एक्लिप्स का लिया होगा, अब पार्शली एक्लिप्स में उसने एनर्जी को गेन किया होगा, ये यहाँ आके अटका। और मैंने आपसे कहा था कि देख सकते हो ग्राउंड लेवल से फुली का जो एनर्जी गैप है वो 0 से 19 का है, जबकि यहाँ से कितना है 0 से 16 का है, मतलब अब उसने एनर्जी गेन की होगी। ये एनर्जी का लॉस था 15.2 का, अब एनर्जी इसने गेन की होगी, गेन कितनी की होगी यार, गेन कितनी की होगी, तो 16.00 माइनस 3.8, ठीक है, बाय, तो मतलब 12.2 का उसने एनर्जी का गेन किया होगा। तो यहां से उसने एनर्जी का गेन किया है कितने का, 12.2 का, ठीक है, ओके, समझ में आ रही है, एनर्जी को गेन किया है और यहाँ उसने एनर्जी का लॉस किया, इसलिए माइनस ऑफ 15.2। और फिर यही आगे कहानी चली है, अब ये सबसे स्टेबल, देखो यहाँ पे ग्राउंड टच हो रहा है, देखो एंटी सबसे अपोजिट में है। अब आप कह सकते हो कि वापस, अभी ये कह सकते हो कि हाँ सर इसने यहाँ से यहाँ जाने में 16 जूल की एनर्जी का लॉस किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जैक्टली ग्राउंड को जीरो मान लिया था, और फिर उतना ही उसने 16 वापस गेन किया, और फिर कुछ लॉस हुआ एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, एंटी है। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा आप बताओ, उसके बाद देखो गॉज होगा, बाकी गॉज सेकंड और गॉज सिक्स बात एक ही है, गॉज सेकंड और गॉज सिक्स बात एक ही है। उसके बाद आपका आएगा पार्शली एक्लिप्स और लास्ट में आएगा फुली एक्लिप्स। तो अपन लोग कंक्लूजन पे पहुंचे भाई, थोड़ी देर के लिए नंबरिंग कर ही लेते हैं, नंबरिंग ऐसे है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एक की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एक के बाद 7 की है, तो 1 = 7 कर दें क्या, लिख दें क्या, 1 = 7 लिख दिया है ना, और 3 = 5, ठीक है, और भाई 2 = 6, और सबसे अलग कौन सा भैया, सबसे अलग कौन सा है, तो वो है 4, ठीक है, तो 4 वाला है आपका एंटी। 1 = 7 कौन से हैं, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, फुली एक्लिप्स, ठीक है, 3 = 5 तो ये हमारे कौन से हैं, पार्शली एक्लिप्स हैं क्या, ठीक है, 2 = 6 तो ये हमारा क्या रहा होगा, स्क्यू रहा होगा, गॉज, ठीक है। अब आप देखो 1 और 7 = हो गए, फुली एक्लिप्स्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी फॉर्म में बात करेंगे तो फुली एक्लिप्स की, उसके बाद पार्शली एक्लिप्स की, उसके बाद स्क्यू की या गॉज की, और लास्ट में एंटी। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में पलट दूँ तो कहानी कुछ उल्टी हो जाएगी क्या,
रिवर्स जानी कहानी, एंटी पहले आएगा स्टेबिलिटी में, फिर स्क्यू, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड, एंड लास्ट में आएगा कौन सा, फुली एक्लिप्स्ड। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्होंने स्टेबिलिटी के टर्म्स में और बात की है, तो देखो दे रखा है तो अगर मैं एंटी को देखता हूँ तो एंगल कितना कवर हो रहा है, वो आ रहा है 180, पार्शियली में कितना है 120, गॉज में कितना है या स्क्यू में कितना है 60 और फुली एक्लिप्स में कितना है 0। और एग्जाम में पूछता है कि जब आप 0 से पूरा पूरा सर्कल रोटेट करोगे तो कहाँ कहाँ पे आपको टॉर्शनल स्ट्रेन नज़र नहीं आएगा और या नज़र आएगा। तो देखो यहाँ पे जब रहोगे आप फुली एक्लिप्स पे तो मैक्सिमम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको अगर मैं ऐसे एंटी को देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ एंटी को, तो कुछ है क्या, कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नज़र आ रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि डायहेड्रल एंगल कितना हो गया 180 हो गया और स्ट्रेन आपको 0 हो गया। तो याद रखना एंटी के अंदर स्ट्रेन एब्सेंट रहता है। कौन सा स्ट्रेन एब्सेंट रहता है, कौन सा स्ट्रेन टॉर्शनल भी, क्या वंडरवॉल भी एब्सेंट रहता है? तो बट सर एकदम सर रहता है क्योंकि सब देख सकते हैं, सब दोनों में था एकदम दूर दूर है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी एब्सेंट रहता है और वंडरवॉल स्ट्रेन भी एब्सेंट रहता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जबकि अगर मैं पार्शियली एक्लिप्स की बात करूं कुछ ऐसा है, ए पार्शियल एक्लिप्स कुछ ऐसा है ये। ठीक है, इसमें भी आपको स्ट्रेन नजर आ रहा है इस ब्लैक बॉल और इस वाइट बॉल के बीच में आ रहा है, तो आपको कौन कौन सा स्ट्रेन नजर आ रहा है? एक तो देखो टॉर्शनल नजर आ रहा है, हाँ सर नजर आ रहा है। वंडर वॉल नजर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। किसके बीच में? मिथाइल के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में, वाइट वाला हाइड्रोजन ब्लैक वाला मिथाइल, तो हाँ सर नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर मैं गॉज की बात करता हूँ तो गॉज कुछ ऐसे था हमारा, एंगल कितना, एंगल कितना गॉज का, तो आंसर था 60। यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन ना के बराबर है, इसलिए एब्सेंट लिखा जाता है, वैसे बहुत माइन्यूट सा है। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा, लेकिन आप एब्सेंट ही याद रखो ज्यादा आपके लिए अच्छा। हाँ, इसके अंदर वंडरवॉल स्ट्रेन है, क्यों नहीं होगा यार, इस मिथाइल का होगा ना, इस मिथाइल का होगा ना, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन होंगे, होंगे ना हाइड्रोजन, यहाँ पे ये दोनों पे हाइड्रोजन होंगे, वैलेंसी में पूरी नहीं की है, यहाँ पे भी स्ट्रेन आएगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो वंडरवॉल स्ट्रेन आ रहा है वो दो मिथाइल ग्रुप के बीच में आ रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो ठीक है, पीछे बात हो ही गई है यार कि स्क्यू और गॉज ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे बकवास जो है वो हमारा क्या होगा, फुली एक्लिप्स होगा, मैक्सिमम स्ट्रेन भी होगा, वंडरवॉल स्ट्रेन भी होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन भी होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन दो मिथाइल ग्रुप के बीच में, वंडरवॉल स्ट्रेन दो मिथाइल ग्रुप के बीच में होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन एंगल्स के बीच में होगा, ये बॉन्ड्स के बीच में। ठीक है, तो ओवरऑल आप मेरी बात साफ समझ पा रहे होगे। ठीक है, आई होप क्या चल रहा है कहानी में। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा स्टेबल हमने लिखा एंटी, गॉज, पार्शियली एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स होगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमने पीछे डायग्राम बनाया है उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस पे ध्यान देते हैं, लिखा हुआ है कि एन ब्यूटेन स्पेंड्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स टाइम टू द एंटी कन्फर्मेशन, वो सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताता है, अपने एंटी में बिताता है। ठीक है, और बाकी जगहों पर बहुत कम बिताता है, उसके बाद अगर मैं बांट भी दूँ तो वो कहाँ बिताता होगा, गॉज में बिताता होगा, और चूंकि इसका ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है, ये ऐसे 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 गाड़ी की स्टीयरिंग्स होती है ना, घूमती रहती, यहाँ से गया यहाँ, बहुत 10 की पावर जो है -5 सेकेंड्स के करीब होता होगा, इतना पर सेकेंड होगा, -5 पर सेकेंड का इसके अंदर इरोटेशन होता है, तो इसको आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आप तुम बुद्धि लगाना कि इनमें से कौन से एनेंशियोमर हैं और कौन से डायस्ट्रोमर हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, कौन किसका एनेंशियोमर है, कौन किसका डायस्ट्रोमर है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे लिखा है कि यार सेकंड और फोर्थ वाले जो है, सेकंड और सिक्स्थ वाले जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इसलिए वो एनेंशियोमर है। आओ देखते हैं सेकेंड और कौन सा बोल रहा है, सेकेंड और सिक्स्थ, तो कहाँ गया मेरा सेकंड भैया, ये
कहाँ गया सिक्स भैया मेरा, हाँ ये तो गोज के दो फॉर्म दिख रहे हैं आपको, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। गोज के जो दो फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं वो आपस में एनेंशियोमर टू द ईच अदर होते हैं, ठीक है। जबकि जबकि अगर मैं बात करता हूं ठीक है, जबकि सेकंड फोर्थ सिक्स जो है वो फोर्थ वाले के साथ कोई मिरर इमेज नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए वो डाइस्ट्रोमर हैं। क्या बोला भाई, ये बोल रहा है कि सेकंड और सिक्स्थ फोर्थ के साथ कोई पैटर्न नहीं दिखा रहे हैं, तो आओ सेकंड और सिक्स्थ फोर्थ वाले के साथ, ये भाई फोर्थ वाला है, हाँ तो ठीक है तो होगा ही होगा। तो इसका रिलेशन कैसा डाइस्ट्रोमर का, इसका रिलेशन कैसा डाइस्ट्रोमर का, लेकिन आपस में इसका रिलेशन कैसा एनेंशियोमर का। मैंने पढ़ाया भी है डाइस्ट्रोमर, ना तो मैं तुम्हारी मिरर इमेज और ना मैं तुम्हें सुपर इम्पोज करूंगा, तो मैं क्या कहलाऊंगा, डाइस्ट्रोमर कहलाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना है गॉज के रिस्पेक्ट में एंटी के रिस्पेक्ट में जो दोनों गॉज है वो आपस में क्या है, डाइस्ट्रोमर्स हैं, जबकि दोनों गॉज आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गॉज और एंटी में इनमें से कौन सा मीजो है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा गॉज एंटी में से कौन सा मीजो है, गॉज गॉज एंड एंटी में से विच वन इज मीजो, बुद्धि लगाना, हो सकता है एक आंसर आएगा नन ऑफ दीज, दोनों ही मीजो नहीं है, बुद्धि आपकी है आप लगाओगे, हो सकता है नन ऑफ दीज हो सकता है, ठीक है। बढ़ जाए कहानी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या सर हमेशा जो है आपका एंटी ज्यादा स्टेबल होगा गॉज या स्क्यू से, तो आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे केसेस हम देखेंगे जहां पे आपको गॉज और स्क्यू ज्यादा स्टेबल नजर आएंगे आपके किस से, एंटी से, और इस केस को बोलते हैं, दो केसेस होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग केसेस और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला ये लिखा है, मैं दूसरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो ऐसे केसेस हैं जहां पे आपका जो ये गॉज है या जिसको आप स्क्यू बुला रहे हो वो ज्यादा स्टेबल है एंटी फॉर्म से। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब कौन कौन से वो केसेस हैं जिसमें अपन लोग देखने जा रहे हैं कि गॉज कब ज्यादा स्टेबल है एंटी से, तो आइए लेट सपोज करिएगा मैंने कोई स्ट्रक्चर पैटर्न लिया कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक को ले लिया वाई और एक को ले लिया एक्स। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टर्म्स की बात करूं देखो, अगर आपका X OH हो जाए और Y आपका OH भी हो जाए, NH2 भी चल सकता है, फ्लोरीन भी चल सकता है, ठीक है, COH भी चल सकता है, अमाइन भी चल सकता है, और बहुत लेस कंडीशन पे Cl भी चल सकता है, बहुत लेस कंडीशन पे चल जाएगा, ठीक है, ओके, या एक CHO ले लो। इन सारे केसेस में जो हमारा गॉज फॉर्म होगा वो एंटी से ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल की बात कर रहा हूँ। आइए कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज कर यार यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, बाकी तो वैलेंसी पूरी करनी है।
अब मैं सारे बनाऊं क्या तो सिर्फ एंटीगॉज दिखा दूं। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी करते रहो। इसका कौन सा फॉर्म है? जी ओ यू जी ई कॉज फॉर्म। और ये इसका कौन सा फॉर्म है? इसका एंटी फॉर्म। यार स्पेलिंग मेरी रॉन्ग हो रही है, ठीक है, ये इसका क्यू फॉर्म है। अब आप देखो कौन ज्यादा स्टेबल। अगर तो आप ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन और वंडरवॉल स्ट्रेन देखोगे तो आपको लगेगा नहीं सर एंटी ज़्यादा स्टेबल है, इसमें डाउट भी नहीं है। लेकिन देखो यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है आइसिंग ऑन द केक वाली कहानी होती है, सोने में सुहागा बुलाते हैं इसको हम लोग। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नजर आ जाएगी तो स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी नजर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ वाला पार्शली पॉजिटिव, यहाँ वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव। तो ये देखो ये आप देख रहे हो आपको क्या नजर आ रही है? H बॉन्डिंग नजर आ रही है। अब इस H बॉन्डिंग की वजह से ही स्ट्रेन आपको, मतलब स्ट्रेन तो होगा लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा दिस ओवर द एंटी, ठीक है। या और एग्जांपल देख लो, बाकी वैलेंसी आप पूरी करते रहना। ठीक है, मैंने जो केस लिया है वो ये लिया है, CH2 एक तरफ OH ले लिया और एक तरफ F ले लिया। आओ बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे ये पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे ये पार्शली नेगेटिव, उनके बीच में ये इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पता ही होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर नहीं आ रही होगी, इसलिए आपका स्क्यू फॉर्म या डॉज फॉर्म या आपका एंटी फॉर्म, और ठीक है क्लियर कट है, बस में आ रही है। अगला आएगा, नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर कैसे काम कर रहा है? देखो ऐसे काम कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ NH2, ठीक है, और एक जगह ले लेता हूँ CH, ठीक है। आपको पता है कि ये एसिडिक पार्ट है और ये इसका बेसिक पार्ट है, हो सकता है बुक में ऐसे लिख दें और हो सकता है बुक में ऐसे लिख दें, ठीक है, ये ऐसे बेस रिएक्शन हो रही है इंट्रा अपने अंदर ही, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे देखा जाता है, देख सकते हो दो अपोजिट चार्जेस हैं और जहां जहां अपोजिट चार्जेस होते हैं वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। यहां पे क्या डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फैक्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में आपको नजर क्या आएगा? आपको नजर आएगा कि गॉज जो है ये इसके एंटी ज्यादा स्टेबल है, ये इसका गॉज फॉर्म है और एंटी आप बना ही लोगे, ठीक है। तो गॉज इज मोर स्टेबल देन एंटी, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं,
तो थोड़ा सा इसका डायग्राम अलग बनेगा। किससे अलग बनेगा? जो नॉर्मल केस थे वहां पे, एक्चुअली याद करो पीछे अभी हमने जो केस किया वहां पे ग्राउंड लेवल पे आ रहा था एकदम एंटी, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। तो आओ पहले शुरुआत करते हैं गेम को, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास कोई ऐसा केस है, ये OH है, H है, ये H है और पीछे F ले लेते हैं। सपोर्ट दीजिएगा, बाकी H लगा देता हूँ और एक तरफ OH ले लेता हूँ और एक तरफ F ले लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। सॉरी गाइस, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक तरफ आपका OH है और एक आपका F है, मान के चलना ये ऑरेंज वाला आपका F है और ये पर्पल वाला आपका OH है, ये पर्पल वाला OH है, ये ऑरेंज वाला आपका F है। अभी हम लोग इस कंडीशन पे खड़े हैं, सपोर्ट दीजिएगा, मैं फ्रंट वाले को होल्ड किए रहूँगा, पीछे वाले को घुमाऊँगा। घुमाया, ठीक है, इसके बाद मैं फिर से घुमाऊंगा 60 का, तो घुमाया, ठीक है। वो बात अलग है, इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे ना के बराबर रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी आपको पता ही है। ठीक है, अब अगला रोटेशन लेते हैं ये, ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम यहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा, पता नहीं यहाँ बनेगा भी नहीं। एफ जी चेक किया बेटा, ठीक है, ठीक है। अब ये इसका इक्विलिब्रियम यहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा, मैं वापस यहाँ से यहाँ को जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब पार्शियल एक्लिप्स की तरफ जा रहा हूँ। फाइनली इसका इक्विलिब्रियम यहाँ रहेगा और यहाँ, अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ वापस अपने गॉज या अपने स्क्यू पे। फाइनली अटक गए, तो ये पूरा साइकिल आपने कवर किया। ओप सॉरी, इसका एनर्जी यहाँ रहेगी, यहाँ कम रहेगा, ठीक है। तो 60 का चक्कर एक बार, दूसरा, तीसरा, ओप सॉरी, यहाँ तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये लास्ट, तो 360 का पूरा चक्कर लगाया। अब इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे आते हैं। जब आप इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे आओगे ना भाई, अरे तो इस बार आपको मैं पहले नाम लिख देता हूँ, ये आपका फुली एक्लिप्स्ड है, ये आपका स्क्यू है, ये आपका पार्शली एक्लिप्स्ड है, ये आपका एंटी है, ये आपका पार्शली एक्लिप्स्ड है और ये आपका कितना है, ये आपका फिर से स्क्यू आ गया, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब आप बनाने लगोगे तो ये आपका डायहेड्रल एंगल, और यहाँ एनर्जी, इमेजिन करना कि अभी आप पहले जीरो पे हो, मैं यहीं कहीं बना रहा हूँ अपनी मर्जी से पॉइंट्स, ये 60 का, ये 120 का, ये 180 का, 40 का, 300 का, एंड सो ऑन, ठीक है ना गाइस, ये जीरो मान लेना। अब बस डॉट डॉट जोड़ दो। सबसे पहले हम कहाँ पे थे? जीरो पे। आओ, सबसे पहले थे हम जीरो पे,
जीरो पे फुली एक्टिव था सबसे हाई एनर्जी, ये यहाँ कह ले लो, यहाँ शुरू हो रहा है। उसके बाद आप कहाँ पहुँचे हो, उसके बाद पहुँचे हो आप स्क्यू पे, स्क्यू मान लेते हैं यहाँ कहीं आया, मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ आए हो, उसके बाद आए हो पार्शली एक्लिप्स पे, पार्शली एक्लिप्स की जो एनर्जी होगी वो फुली एक्लिप्स से तो कमी होगी लेकिन स्क्यू से ज़्यादा होगी, तो पार्शली एक्लिप्स एनर्जी यहाँ कहीं कर लें, ये इधर, ये पॉइंट्स इधर, ये लाइन इधर, कहाँ पहुँचे इस लिखते जाओ, ये आपका फुली एक्लिप्स था, ये आपका स्क्यू है, ये आपका पार्शली एक्लिप्स, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पहुँचोगे, उसके बाद आप एंटी पहुँचोगे। अब देखना, अब मजे भी ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, एंटी की जो एनर्जी होगी वो यहाँ आ गया, क्योंकि इस बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्क्यू ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और वापस एंटी से कहाँ पहुँचोगे, आप पार्शली एक्लिप्स पहुँचोगे, यहाँ कहीं पार्शली एक्लिप्स, अब पार्शली एक्लिप्स के बाद फिर कहाँ पहुँचोगे, आप स्क्यू पहुँचोगे, ए यहाँ, और फिर वापस, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये उठाया, ये टच करा दो, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे बनाए, मतलब बस और कुछ नहीं है। इस बार एनर्जी प्रोफाइल के डायग्राम में, एनर्जी प्रोफाइल के डायग्राम में आपका जो पार्शली एक्लिप्स है वो ऊपर है, सॉरी एंटी जो है वो थोड़ा ऊपर है और स्क्यू थोड़ा नीचे है। नहीं तो पीछे जब हम पढ़ के आए थे तो वहाँ एंटी को नीचे पढ़े थे और स्क्यू को ऊपर पढ़े थे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल आपको रखना होगा, ठीक है। अब एक स्पेशल केस, ये पीएच डिपेंडेंट होता है, ये वाला केस पीएच डिपेंडेंट होता है। पीएच डिपेंडेंट बोले तो एक बार हम लोग पीएच ग्रेटर देन 7 लेंगे और एक बार पीएच लेस देन 7 लेंगे। जब पीएच ग्रेटर देन 7 लेंगे तो उसको बोलेंगे बेसिक, लेस देन 7 लेंगे तो क्या बोलेंगे, स्पेस। अब ये बात याद रखना, ये बात याद रखना कि जब आप बेसिक में रहोगे, जब आप बेसिक में रहोगे तब आपका जिसका जो एंटी फॉर्म होगा उसके गॉज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर आप एसिडिक मीडियम में रहोगे तो उसका गॉज फॉर्म इसके एंटी फॉर्म से स्टेबल रहेगा। सेम रीजन वही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रेस होने लगती है, बेसिक में क्या है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, यार जगह है नहीं, देखो ये CO माइनस और CO माइनस आ रहा है यहाँ, सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये तगड़ा अपने आप मेरे पल्ले में बन जाता है, ऐसे होता है। लेकिन जब लेस देन 7 होता है ना तो एसिडिक होता है, एसिडिक का मतलब हो गया एक एच प्लस आयन लूज करेगा, इतना ही लूज करेगा, मेरे को सिर्फ गॉज फॉर्म दिखाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे उसको रोक लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको रोक लेती है, ठीक है। ये आप ठीक है, एसिडिक मीडियम में जब एक एच प्लस आयन लूज होता है तो दूसरा एच प्लस लूज होने से पहले इसको क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है। बेसिक मीडियम में तो क्या सटासट दोनों एच प्लस आयन लूज कर दिया, ओके मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बस ये स्पेशल केस याद रखना जहाँ पे अपना पीएच बेस्ड काम चलता है, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, बताओ क्या पूछ रहा है, मोस्ट स्टेबल एंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, मोस्ट स्टेबल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। देखो बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे ये अपने एंटी में है, यहाँ पे अपने ये स्क्यू फॉर्म में, गॉज फॉर्म में, यहाँ पे अपने स्क्यू गॉज में है और यहाँ पे ये अपने एंटी फॉर्म में। पहले तो यार हमको पता है कि जो गॉज फॉर्म है वो एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है इस केस में, ड्यू टू
सही पकड़े हो, एच बॉम्ब। ठीक, मतलब मैं ऑप्शन ए और डी का हैप्पी बर्थडे करूं, बचते हैं ऑप्शन बी और सी। अब ये काम तो नहीं लगा, मोस्ट चिल वाला काम हो गया। दूसरा काम क्या रखा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कोई पता लगाओ। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं नो पीओएस, पीछे पढ़ाया है बहुत बार, नो सीओएस तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका तरीका ये है कि आप इसको जब आप बी की बात करोगे तो अगर आप इसको 60 डिग्री का रोटेशन दे दोगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, कर जाएगा। 60 डिग्री का रोटेशन दोगे तो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना। मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, मान के चलो ओवरलैप कर जाएगा। तो जैसे ही उसको ओवरलैप करेगा तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, चूंकि इसके अंदर क्या आने लग जाएगी, पी ओ एस आने लग जाएगी, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन सी वाले को देखो, सी वाले को देखो, अगर आप इसको घुमाते हो यहाँ पे तो ये यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा, पूरी तरह नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर सी ओ एस भी नहीं है, यूएस भी नहीं है, तो आपको सी ओ एस भी नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसमें क्या था, अब आपने इसको किया तो ये इसको ओवरलैप किया, ये इसको ओवरलैप किया, ये इसको ओवरलैप किया, लेकिन यहाँ पे किया तो ये तो इसको किया, लेकिन ये हाइड्रोजन पे मिथाइल आ रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन पे मिथाइल आ रहा है ना, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, मिथाइल पे मिथाइल आ रहा है, तो प्योर ओवरलैप है, कोई तरह ओवरलैप नहीं है, ठीक है। इसलिए याद रखना आंसर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गॉज इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म, गॉज फॉर्म और एंटी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। तो आपको बुद्धि लगानी है, ऐसे तो आंसर है चारों दे रखे हैं इसने, ए बी सी डी, ट्रैक कर लो। एक है टू अमीनो इथेनॉल, तो ये अमीनो इथेनॉल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लेंगे, ठीक है। टू नाइट्रो इथेनॉल, तो हाँ भैया तो बैठा है। थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपोनिक एसिड, तो हाँ भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपोनल, तो हाँ भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चारों में क्या है, एच बॉन्डिंग है, इस वजह से चारों ही अपने आप में स्टेबल हैं, ठीक है। क्लियर कट कर लोगे, बढ़ जाए आगे। चलो, अब एक क्वेश्चन दिया है कि राइट द स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स है जेड सी एस टू सी एस टू एच, यहाँ सी एस टू, यहाँ सी एस टू, यहाँ जेड और यहाँ जेड। इसका ओवरऑल का जो डाइपोल मोमेंट है सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का डाइपोल मोमेंट है कितना है, 1/y। और इन्होंने मोल फ्रैक्शन दे रखा है किसका, एंटी फॉर्म का। इसका जो एंटी फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर का जो एंटी फॉर्म होगा, इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है काई, कितना रखा है, 0.82। और आपसे पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट बताओ किसका, गॉज का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो देखो उसके दो पैटर्न बना देते हैं अपने आप, दो ही पॉसिबिलिटी है क्या, एक बार जेड एच एच, जेड एच एच, एक फॉर्म ये पॉसिबल हो रहा है बेटा, और एक फॉर्म ये पॉसिबल, हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा। आप दिमाग लगाना, यहाँ पे Z, यहाँ पे Z एंटी में, और ये ऊपर है, लेकिन सॉरी उसने गॉज मांगा है, मैंने न्यूमन बनाया है, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ करना चाहिए क्या, मैं यहाँ बना देता हूँ, प्लीज हार्डली सॉरी यार, ठीक है। ये है अपने पास, अपने पास कहानी में कुछ ये है, इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम, हमसे क्या पूछ रहा है, डायपोल मोमेंट बताओ गॉज का। तो देखो पूरे सॉल्यूशन का जो डायपोल मोमेंट होगा वो गॉज का भी होगा और एंटी का भी होगा, लेकिन तुम जानते हो अच्छी तरह बेटा
कि जो एंटी का डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा, अपोजिट डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो इसको मैं खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन असल में जो डायपोल मोमेंट निकालते हैं यहाँ पे, वो जो वन डिवाई आता है, वो असल में आता किसका, इसका कितना है 0.82 इसका है एंटी का। तो मोल फ्रैक्शन गॉस का कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन गॉस का कितना हो जाएगा बोलो, मोल फ्रैक्शन जो गॉस का होगा वो आएगा 0.18 आएगा, आएगा। तो इसका कितना था मोल फ्रैक्शन, गॉज का आ जाएगा 0.18 इंटू इंटू उसका डायपोल मोमेंट निकालना डी, मान लेते डी मान ले डायपोल मोमेंट, इज इक्वल टू सॉल्यूशन का पूरा दे रखा है 1, ठीक है ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, एग्जैक्ट है ना, इसका तो खत्म ही कर दिया मैंने। आप ऐसे लिखना चाहते लिख सकते हो भाई 0.82 इंटू फलाना जीरो है ना, तो जो आपका डी आ जाएगा जो जो मुझे निकालना है गॉज के लिए आ जाएगा 1/0.18, उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5555 जो कि आंसर भी आ रहा है। तो आपको बस ये समझना था कि जो सोल्यूशन का जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट है वो इनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है और कितना चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है ठीक है। तो 0.18 इंटू डी प्लस 0.82 इंटू जीरो, मैंने यहाँ पे एंटी का जीरो कर दिया है, ये बात समझ आ रही है आपको, तो आज का ही पूछा है ओके। लेकिन कुछ मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मैंने वन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मोल फ्रैक्शन अलग अलग है, अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होता या एक का वन होता एक का जीरो होता तब कहानी कुछ और होती, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब थोड़ी अलग लेवल की कहानी पढ़ते हैं। इस लेवल की कहानी में अपन लोग साइक्लो अल्केन्स की स्टडी करेंगे, साइक्लो अल्केन्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनके अंदर नेचर में चेंजेस आते हैं, एंड सारी बातें। मुझे बस बनाने का मौका दीजिए आप, जितना काम करना था मैंने कर लिया। इधर ध्यान दीजिए, एक बाबा बेयर्स की थ्योरी आती है, उसको बोलते हैं बाबा बेयर्स थ्योरी, ठीक है। बाबा क्या बोल रहा हूँ यार, बहुत नामी ग्रामी चीजें, ठीक है। बाबा ये बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर कितना स्टेबल होगा, स्ट्रक्चर कितना स्टेबल नहीं होगा इन साइक्लो अल्केन, उसकी एंगल को नापने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन निकालने के लिए बाबा ने एक बात बताई। पहले तो एक वर्ड यूज कर रहा हूं एंगुलर स्ट्रेन, देखो किसी चीज को उसके पर्टिकुलर एंगल से कितना दबाते हो उसका एंगुलर स्ट्रेन कहलाता है। बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इस टाइम इस पोस्चर में बैठा हूं जो कि 90 डिग्री का पोस्चर है, लेकिन तुमने कहा कि और ये मेरा कंफर्टेबल पोस्चर है, तुमने मुझसे कहा कि नहीं सर आप ना आप ऐसे पढ़ाओ या आप ऐसे पढ़ाओ, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, मुझे मेरे पर्टिकुलर एंगल से, मेरे पर्टिकुलर एंगल से आप मुझे थोड़ा डेविएट कर रहे हो आगे या पीछे, कहीं भी डेविएट कर रहे हो, इस वजह से मुझ पे क्या आएगा दबाव आएगा, मुझ पे स्ट्रेन पैदा होगा और इसी स्ट्रेन को बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। अब एक बात बताओ, मैं ऐसे बैठ के 4 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, ऐसे बैठ के शायद 1 घंटे से ज़्यादा नहीं ले पाऊँ या ऐसे बैठ के 1 घंटे ज़्यादा ले पाऊँ, क्योंकि क्या हो रहा है आप जब स्ट्रेन में हो ना तो आपको स्टेबिलिटी नहीं है उतनी, आप उतना स्टेबल नहीं हो, लेकिन जब आप स्ट्रेन फ्री हो आराम से बिंदास होकर बैठे हो तो आप स्ट्रेन फ्री नहीं हो और आप मजे से काम कर सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर में कितना स्ट्रेन होता है उस स्ट्रेन से उसकी स्टेबिलिटी का पता चलता है, ये बाबा बेयर्स की थ्योरी बोलती है। बाबा बोलते हैं कि देखो अगर तुम्हें मान लो तुम्हारे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन जी बाबा, अब साइक्लोप्रोपेन में जो आपको एंगल नजर आ रहा है वो आपको पता है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज करना है डेविएशन का, तो ये है 109 माइनस वैलेंसी बाय उसका जो स्ट्रेन इसके अंदर जो बाबा बता रहे चाह रहे हैं, जो इसके अंदर डेविएशन बताना चाह रहे हैं नॉर्मल से कितना है वो बॉडी डेविएट कर रही है, ठीक है ठीक है। देखो लिखा भी है अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थ्रू व्हिच द वैलेंस बॉन्ड इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन,
नॉर्मल पोजीशंस को कितना दबाव दिया गया है, तो साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा दबाव नज़र आएगा, ठीक है, इस चीज़ में नज़र आएगा। साइक्लोब्यूटेन में थोड़ा 90 का एंगल हो जाएगा तो कम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन में और कम हो जाएगा, एंगल अंदर का 108 होता है, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन में और, ठीक है। अब ये माइनस के पीछे मत पढ़ना, माइनस ऐसे देखना, बस वो थोड़ा ऐसे हो चुका है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बाबा के अकॉर्डिंग जाएं, बाबा बोलते हैं देखो यार साइक्लोपेंटेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होना हो रहा है साइक्लोहेक्सेन से। लेकिन आपने अगर कभी एक थ्योरी पढ़ी हो HOC, आपने पढ़ा होगा हीट ऑफ कम्बशन, आपने पढ़ा होगा कि जितनी जितनी ज़्यादा HOC होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब देखो अगर मैं बाबा के फॉर्मूले पर चल रहा हूँ तो बाबा बोल रहे हैं कि साइक्लोपेंटेन में जो एंगुलर स्ट्रेन आ रहा है, जो स्ट्रेन आ रहा है, जो डेविएशन हो रहा है वो 0.44 डिग्री का होगा, और इधर कितना हो रहा है 5.16 का। अभी माइनस के पीछे मत मर जाना, माइनस बस ऐसे है, ठीक है। तो बाबा के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल है, मैंने कहा ठीक है बाबा, बाबा की जय हो। लेकिन यार जब मैंने इसको HOC कैलकुलेट किया, हीट ऑफ कम्बशन से कैलकुलेट किया, तो मैंने ये पाया कि HOC जो है वो साइक्लोहेक्सेन की साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, HOC बोल रही है कि साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल है, बाबा का स्ट्रेन फॉर्मूला बोल रहा है नहीं साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए ये देखा गया कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो अपने आप को फ्लेक्सिबल मूव करता है, ये देखो आराम से मूव कर रहा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, इसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन अपने आप में स्टेबल ज़्यादा है। और दूसरा यहाँ पे आपको 109 के ज़्यादा एंगल्स मिलेंगे, अभी इसी की डेप्थ हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है, ओके। तो नॉर्मली याद रखना साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होगा साइक्लोपेंटेन से, रीजन बिहाइंड कि HOC ज़्यादा हो, मोर HOC मोर स्टेबल। बाकी ये आपने पढ़ा है मेरे से, मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, मुझे याद है मैंने आपको पढ़ाया है। हीट ऑफ कम्बशन भी पढ़ा रखा हूँ कि हीट ऑफ कम्बशन पर CH2 देखोगे तो भैया साइक्लोप्रोपेन की ज़्यादा आएगी, साइक्लोहेक्सेन की कम होगी। बट अब ऐसे नहीं आ रही, यहाँ पर ज़्यादा पर बॉन्ड कम होंगे तो हीट ज़्यादा रिलीज होगी, वहाँ ज़्यादा क्लोज है तो पर बॉन्ड पर CH2 पर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या है, स्ट्रेन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर CH2 उतना नहीं रहता है, लेकिन चूंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए HOC ज़्यादा किसकी होती है, साइक्लोहेक्सेन की होती है। तो याद रखना है, मैंने पीछे बताया है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस आपसे नहीं कर रहा हूँ कि पर CH2 कब देखते हैं, कब इसको देखते हैं फलाना, ठीक है, ये आप बुद्धि लगाओगे पीछे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, पीछे मतलब प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल हमको असल में जो साइक्लोहेक्सेन दिखने वाला है, साइक्लोहेक्सेन ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। मैं साइक्लोहेक्सेन को दो फॉर्म में दिखाने वाला हूँ, एक होता है बोट फॉर्म, देखो सॉरी ये इसकी बोट फॉर्म, ये बोट दिख रही है नाव, इसकी एक बोट फॉर्म होती है, अभी इसी की डेप्थ में जाने वाले हैं, ठीक है। और एक फॉर्म होती है चेयर फॉर्म, ए यो, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे दिखाना चाहूंगा, आप पूरी तरह फील ना लो तो मेरा पढ़ना बेकार है यार, ठीक है, ये इसको जैसे फॉर्म होता है, जब टूल्स हैं तो क्यों ना फायदा उठाया जाए उसका, क्या कहते हो। ये है मेरी चेन, बाकी बैलेंस में मैंने पूरी नहीं की है, लेकिन ये जो मेरे देख रहे हो, ये जो मेरा देख रहे हो, ये है मेरा चेयर फॉर्म, ये मेरा कौन सा फॉर्म था, ये मेरा बोट फॉर्म था, और ये वाला मेरा कौन सा फॉर्म है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, जस्ट वन मिनट गाइस। क्या कर रहा भाई, अच्छा
ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, आपको फॉर्म नजर आ रहा है, एक सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, ठीक है, मैं आपको ये दिखा रहा था, ये दिखा रहा था, ठीक है, देख ये हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म, यही कुछ ऐसा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना कैसा हुआ है, ठीक है, मैं नंबरिंग की बात कर रहा हूँ, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर फोर, ये नंबर फाइव, ये नंबर सिक्स, बहुत ध्यान देखना। अब जब मैं इसको हाथ पे रखूँगा तो आपको देखो कौन कौन सा सरफेस पे टच करता है, कौन कौन सा सरफेस पे टच करता है, ये मेरा प्लेन है, मैं प्लेन पे रख रहा हूँ, एकदम ध्यान देखो, एकदम ध्यान देखो, यहाँ से टू टच कर रहा है और यहाँ से फाइव टच कर रहा है, ठीक है, तो टू और फाइव की जो बॉल्स हैं ना तो मेरे हाथ में हैं, वो मेरे हाथ में बॉल्स हैं, टू और फाइव की बॉल्स, ये हमेशा ऐसे टच करती है सरफेस पे। इन द प्लेन बॉल कौन सी होती हैं, इन द प्लेन बॉल कौन सी होती हैं, ये टू और फाइव होती हैं, बाकी सारी बॉल हवाओं में होती हैं, आप बहुत मोहब्बत से देख सकते हो, ठीक है, जितना ध्यान से देखना आप उसको देखिए, ठीक है, यही बॉल आपके हाथ में है, ये रखे तो जाएंगे नहीं अभी, ओके, तो मैंने टू को और वन टू थ्री फोर फाइव, तो टू और फाइव जो है वो हमेशा रखना, बॉल एकदम प्लेन पे होती है, ठीक, चलो। मैंने बताया दो फॉर्म होते हैं, एक आपका चेयर फॉर्म और एक आपका बोर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेप्थ में जा रहे हैं चेयर फॉर्म की, ठीक है, चेयर फॉर्म कुछ ऐसा है, ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे देखो और चाहे आप इसको ऐसे देखो, इसमें सारे एटम ना स्टेगर्ड है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से पकड़ना, एकदम ध्यान से पकड़ना, आपके सामने कुछ नजर आ रहा होगा कुछ ऐसा। अब देखो जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, ये सारे चेयर फॉर्म स्टेगर्ड है, ये इसके एंटी है, देखो 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 ध्यान देखो, ये इसके एंटी है, ये इसके एंटी है, ये इसके एंटी, सब एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। इस वजह से याद रखिएगा जो चेयर फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है साइक्लिक चेन के अंदर, ठीक है, इसका जो एंगल सबका बैठता है ना वो क्लोजली नियर टू द 109.5 बैठता है। अब सभी जगह से एंगल अगर 109.5 आएगा तो बाबा की जो थ्योरी एज पर फॉर्मूला है वो बैंड बजा देगी, ठीक है, क्योंकि बाबा ने जो पीछे देखा था ना, जो बाबा ने पीछे देखा था वो 120 ऐसे देखा था, जो 120 बाबा देखते हैं वो इसको ऐसे देखते हैं, ए ऐसे भाई, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में 120 तो होता है, लेकिन जब तुम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले आओगे ना यार, तो तुम्हें हर जगह से एंगल जो है वो 109 को नजर आएगा, और इसी फॉर्म को बोलते हैं अपन चेयर फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि सारे के सारे स्ट्रेन फ्री होते हैं, सारे चेयर फॉर्म में होते हैं, या यूँ कहूँ सारे स्टेगर्ड बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी बॉन्ड एक्लिप्स नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड, ठीक है, ओके। अब इसमें दो चीज़ें याद रखना, इसमें दो बातें याद रखना है, दो तरह की पोजीशन बताऊंगा, एक होती है एक्सियल पोजीशन और एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। ध्यान से देखना, जो ऊपर है जैसे ऐसे 3D है, तो जो ऊपर आपको आप 2D में देखो, ये और ये दो पोजीशन नजर आएंगे आपको, देख रही है, एक पोजीशन जो आपकी तरफ है ना, ये इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले मैं सारे मैं एक्सियल बना रहा हूँ और फिर मैं इक्वेटोरियल बनाऊंगा, तो जितना ब्लू कलर से बना रहा हूँ, एक एक्सियल ये और एक एक्सियल ये। अब देखो मैंने याद कैसे किया है, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप
डाउन अप, नंबर निकल भाई 1 2 3 4 5 6। सिर्फ आप एक बार अगर एक्सेल बनाना सीख गए तो अपने आप इक्वेटोरियल बना लोगे, बाकी बचा इक्वेटोरियल ही है। तो ट्रिक क्या है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, इसको अप किया, फिर ये डाउन, फिर ये अप, फिर ये डाउन, फिर ये अप और फिर ये डाउन, ये सारे हमारे एक्सेल फॉर्म हैं। जबकि अगर मैं इक्वेटोरियल इसी बना दूँ, बचे कहीं से ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल और ये ट्यूटोरियल, जितने भी ग्रीन वाले आपको दिख रहे हैं वो सारे ट्यूटोरियल हैं, और जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं, जो आपके रेड वाले दिख रहे हैं वो आपके एक्सियल हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारे बैलेंसी पूरी नहीं कर रहा, ठीक है, मान के चल रहा हूँ इतनी नॉलेज आपको आ गई होगी, ठीक है, क्लियर कट है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो अप डाउन, ठीक है, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, ठीक है। बाकी रेस्ट पोजीशन किसको दे दी है इन्होंने, इक्वेटोरियल पोजीशन दे दी, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा है, देयर आर 12 हाइड्रोजन एटम इन द चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन डिवाइड इनटू टू ग्रुप, 6 हाइड्रोजन एटम आर द एक्सियल, जो कि एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है वर्टेक्स के थ्रू, और वाइल द सिक्स हाइड्रोजन आर द इक्वेटोरियल विच आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली अलॉन्ग द इक्वेटर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के इक्वेटर इक्वेटर पे हैं, ये देखो ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बोट फॉर्म की, ये है हमारी बोट फॉर्म, ये देखो ये बोट, ठीक है। अब इस बोट के अंदर, बोट के अंदर प्रॉब्लम है, देखो इसकी मिरर इमेज ये, इसके पीछे ये छुपा हुआ है ना, और ये असल में 3D फॉर्म में है, ये आपको ऐसे नजर आएगा, ये टूट जाएगा बॉन्ड नहीं तो ऐसा करूंगा, इसमें सारे एक्लिप्स बॉन्ड होते हैं, यही बात याद रखना। जब आप चेयर फॉर्म में थे तो सारे आपके स्टेगर्ड फॉर्म में थे, जब आप बोट फॉर्म में आए हो सारे आपके कौन से फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। अब एक मजे की बात देखो, ये दो दो हाइड्रोजन इस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ये एकदम पास पास, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, क्या बुलाते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ना कि ये रिपल्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप देख सकते हो कितने क्लोज हैं, कितने ज़्यादा क्लोज बैठे हैं, चिपक गए, एकदम चिपक गए, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसा हो रहा है को बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्जन या फ्लैग पोल हाइड्रोजन से होने वाला रिपल्जन। तो यहाँ पे दो तरह का रिपल्जन मिल रहा है, एक तो देखो एक्लिप्स की वजह से रिपल्जन मिल रहा है, पीछे हम पढ़ के आए कि स्टेगर्ड और एक्लिप्स में स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल है, तो आपको एक तो एक्लिप्स फॉर्म की वजह से रिपल्जन मिल रहा है और एक रिपल्जन आपको फ्लैग पोल की वजह से रिपल्जन मिल रहा है। इस वजह से याद रखना जो चेयर फॉर्म है वो बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, चेयर फॉर्म है वो बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। देखो साफ साफ लिखा है इन द बोट फॉर्म 6 हाइड्रोजन आर इक्वेटोरियल, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आर एक्सियल एंड द 2 हाइड्रोजन आर द फ्लैग पोल, हमको मेन फ्लैग पोल से मतलब है, बाकी तो ठीक है बैलेंस से पूरी कर लेंगे। इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द टॉर्शनल स्ट्रेन अमंग द हाइड्रोजन एंड ड्यू टू द वैन डर वाल्स स्ट्रेन ऑल्सो बाय द कॉज बाय द फ्लैग पोल हाइड्रोजन रिपल्जन, ठीक है, फालतू छोरी मत जाओ, हिंदी भाषा में समझो यार कि यहाँ पर रिपल्जन ब्लैक होल की वजह से है और यहाँ रिपल्जन वंडरवॉल की वजह से है, टॉर्शनल रिपल्जन, ठीक। कहानी को आगे बढ़ाएं क्या, चलो अब चूंकि हमारी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो हमारी चेयर फॉर्म ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लिपिंग वर्ड यूज होता है इसको, हम लोग बोलते हैं रिंग की फ्लिपिंग करना। पहले आपको चेयर फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है, चेयर फॉर्म को जैसे फ्लिप वर्ड क्या आता है, जब ये ऐसे होता है ना तो इसको उठा के हम लोग पूरा घुमा देते हैं, देखो मेरा हाथ आराम से घूम रहा है, घुमाने टूट गया, एक सेकेंड, एक पूरा आराम से घुमा रहा हूं, देखो पहले ये था, ठीक है, अब ये ऐसे हो गया,
घूम गए। तो जो चीज़ पहले ऐसे थी, ऐसे नजर आ रही है, वो घूम के ऐसे हो रहा है। इसी को बोलते हैं फ्लिप करना। क्या करना? फ्लिप करना। तो हम लोग को फ्लिपिंग में सीखना जरूरी है। फ्लिपिंग में होता क्या है, जो आपको एक्सेल नज़र आता है और जो क्रिल नज़र आता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। इसको कुछ बुक्स रिंग इन्वर्जन बुलाती है, रिंग के थ्रू ऐसा होता है, पूरा चेन घूमता है, ठीक है। अब होता कैसे है उसके बारे में जानने वाले हैं, उसके डेप्थ में जानने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, लेकिन ये बात याद रखना है, फ्लिपिंग करने से जो एक्सियल है वो क्या बन जाता है, इक्वेटोरियल, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ओके। तो ऐसा करने से थोड़ा एनर्जी का मूवमेंट भी होता है। ये एग्जाम में आ चुका है, जेई का क्वेश्चन है कि कितनी एक्टिवेशन एनर्जी साइक्लोहेक्सेन को इन्वर्ट करने में लगती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ मूव करने में कितनी एनर्जी का चेंजेस आता है, वो है 45 किलो जूल पर मोल का। चूँकि ये बहुत 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 रैपिड फोर्स है, प्रोसेस है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है, इसलिए इसकी हाफ लाइफ बहुत ना के बराबर होती है, 10^-5 seconds की हाफ लाइफ, ठीक है, ओके। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे ये अपने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इसके लिए, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेई मेंस और एडवांस मेंस पर बस पूछता है कितने इसके फॉर्म होते हैं और कौन सा इसका स्टेबल फॉर्म होता है और कौन सा फॉर्म कायरल होता है। अभी आऊँगा। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे थे, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसको हल्का सा ऐसे करते हो, हल्का सा, ठीक है। इसको बोलते हो, जैसे ये आप कैसे फॉर्म था, ये आप कैसे फॉर्म था, एकदम दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। आप इसको होल्ड किए रहो, इसको हल्का सा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ चेयर में आए, चेयर से कहाँ पहुँचो बेटा, चेयर से कहाँ पहुँचे हो, हाफ चेयर पहुँचे, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट कर दो, कर दो, कर दो, तो यहाँ पे आप पहुँचोगे ट्विस्ट बोर्ड पे, ठीक है। ट्विस्ट बोर्ड से फिर से आप थोड़ा सा और आते हैं, उसको हाफ चेयर ही बुलाते हैं, लेकिन कुछ बुक्स को ट्रू बोर्ड बुलाती हैं, ट्रू बोर्ड, और फिर वापस आपका ट्विस्ट बोर्ड, फिर आपका हाफ चेयर एंड फाइनल चेयर। तो आपको एक एक मूवमेंट नहीं दिखाना मुझे कि यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, पूरा ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है। बस आप इतना याद रखोगे कि आप एक चेयर से दूसरे चेयर फॉर्म में जाते हो वाया हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड एंड ट्रू बोर्ड, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल की बात करूँ, अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा है, चेयर है, नो डाउट। उसके बाद आपका ट्विस्ट बोर्ड है, उसके बाद आपका ट्रू बोर्ड है, और लास्ट में आपके हाफ चेयर। याद रखना है कि जो हाफ चेयर होती है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होती है इन सभी में। हाफ चेयर सबसे लीस्ट स्टेबल होती है। तो मैंने क्या कहा था कि देखो, ओवरऑल ऑलमोस्ट 45 जूल की एनर्जी का खर्चा होता है। तो देखो, यहाँ से देखो, अगर ये जीरो है तो यहाँ 45 आ रहा है, ये फिर मूवमेंट होते होते फाइनल पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब आप फ्लिप करते हो तो आप एक्सेल वाला किस्म बदल जाता है इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल वाला किस्म बदल जाता है एक्सेल में, पहली बात। दूसरी बात याद रखनी है कि जब आप मूवमेंट लेते हैं तो और भी फॉर्म बनते हैं, चेयर से हाफ चेयर, ट्विस्ट और ट्रू बोर्ड। इसकी स्टेबिलिटी याद रखनी है या इसकी एनर्जी याद रखनी है, वाइस वर्सा याद करोगे, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब आप चेयर से कहाँ पहुँचते हो, हाफ चेयर पे, हाफ चेयर से ट्विस्ट बोर्ड पे, फिर ट्रू बोर्ड पे, फिर ट्विस्ट बोर्ड पे, फिर हाफ चेयर पे और फाइनल चेयर पे। तो ये बस आपको याद करना है, ठीक है, क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। याद रखना एक बात, देखो यहाँ से लाइन लिखी हुई है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ चेयर 99% ऑफ द मॉलिक्यूल आर एस्टिमेटेड टू बी चेयर फॉर्म। अब एक क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, और उन्होंने पूछा था कि कौन सा फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का कायरल होता है, कौन सा फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का कायरल होता है,
आंसर इज एक ही फॉर्म है, वो इसका ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म जब जब कंडीशन में आती है, कायरल बताएं किस वजह से है, इन्वायरमेंट की वजह से अलग अलग हो रहा है। एटम तो वही है, इनका नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मतलब एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। ठीक है, ट्विस्ट में देख सकते हो, ये इसके पॉइंट से अबव है, ये बिलो है, एक हाइड्रोजन एक इधर आ रहा है। ठीक है, तो अबव बिलो की वजह से चेंजेस दिखा रहा है। अब आपको याद रखना है कि ट्विस्ट बोर्ड के टाइम ही कंडीशन जो आएगी वो क्या आएगी, कायरल आएगी। पूछा हुआ सवाल है जेई का कि कौन सी कंडीशन में वो कायरल होता है। ठीक है, तो ट्विस्ट बोर्ड की कंडीशन में वो कायरल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 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 अभी तक हम ये पढ़ के आ रहे थे कि चेयर फॉर्म तो ज़्यादा स्टेबल होता है बोर्ड फॉर्म से, लेकिन कुछ ऐसे केसेस तो आएंगे ना, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शनल केस ना हो तो मज़ा ना आए। तो देखो यहाँ लिखा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो बोर्ड फॉर्म होता है वो चेयर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है कुछ केसेस में, और वो केसेस कौन से हैं, वो केसेस ये हैं जहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मजा आ रही है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इनके अंदर ऐसा होता है। ठीक है, जब आप इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल नज़र आएगी। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे, आप इस बात को एंजॉय भी कर रहे होगे, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कहानी चल रही है। ठीक है, चलो अब आती है इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ और, थोड़ी सी डेप्थ और कि एक स्ट्रक्चर की सिचुएशन कहाँ रखी जाए। देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिया है इसने, दे रखा है तो वही, लेकिन देखो यहाँ दे रखा है 5%, यहाँ दे रखा है 95%। आप देख पा रहे हो कि ये इसका एक्सियल फॉर्म है और ये इसका इक्वेटोरियल फॉर्म है। याद रखने वाली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा क्राउडिंग बढ़ती जाएगी, क्राउडिंग इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे स्ट्रक्चर जो है, जो एटम्स हैं, जो एटम हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन को अचीव करेंगे। किसको अचीव करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहेंगे, वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं रहना चाहेंगे। कहने का क्या सेंस है मेरी बात बेटा, आओ समझते हैं। एक सिचुएशन है, अब रटना तो नहीं है, समझना इस बात को, ऐसा क्यों बोल रहा बंदा। एक पोजीशन आपके सामने ये है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा फॉर्म, एक्सियल फॉर्म। और एक पोजीशन इसके सामने आगे पीछे हाइड्रोजन बना दे, बस एक सेकंड यार, क्योंकि मैं चाहता हूं पूरी तरह मोहब्बत से फील लो, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें वो चीज अच्छी लगेगी। ये ट्विस्ट फॉर्म। अब इस केस में करंट पोजीशन में, करंट पोजीशन में ये मिथाइल इस पोजीशन में बैठा है, और एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि जब ये हाइड्रोजन को मैं यहां करूं और मैं इस मिथाइल को यहां करूं, आप खुद देखो, वहां पे भी देखो स्क्रीन पे भी और यहां पे भी देखो कैमरे में, आप देख रहे हो कि जब आप अपने इक्वेटोरियल फॉर्म में हो तो ये जो इसके मिथाइल हैं, ये जो इसके मिथाइल के हाइड्रोजन हैं, इनका रिपल्जन ना के बराबर है। लेकिन जब आप इसको तुम इस फॉर्म में देख रहे हो, ए इस फॉर्म में, ये ठीक है, मतलब अभी कुछ ऐसा बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है यार, मेरे बॉन्ड्स पुराने पड़ गए हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे देखो, ये भी इस फॉर्म में था, अब आप इसको इस फॉर्म में देखो, जो हमारा, तो यहां पे देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है जहां पे मैं हाथ लगा रहा हूं, ये इनके हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन है, ये आपस में मिथाइल हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है। इनके यहाँ पे जो मिथाइल होगा, इमेजिन करना पर्पल वाला कलर ले दिया मैंने, ये पर्पल कलर की बॉल, ठीक है, ये पर्पल कलर की बॉल, ओके,
ये जो पर्पल कलर की बॉल है इन वाइट वालों से क्या करेगी, रिपल्जन दिखाएगी। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, जब ये अपने किस फॉर्म में होंगे, अपने मिथाइल ग्रुप जो होगा वो किस फॉर्म में पोजिशन पे होगा, वो अपने एक्सियल पोजिशन पे होगा। और जब ये अपने क्लोरल पे होगा तो ये पर्पल वाला बट ऑब्वियसली यहाँ चला जाएगा, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसे चला जाएगा। जब ये ऐसे हो जाएगा तो रिपल्जन ना के बराबर आएगा, ठीक है, मतलब पलट जाएगा, ठीक है, पोजिशन पलट जाएगी। तो ये बात याद रखने वाली बात है कि जैसे जैसे आपकी क्राउडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी क्राउडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे वो ग्रुप और एटम किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन को। तो अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटोरियल एक्सियल की, तो हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है, जबकि अगर मिथाइल की बात करें तो वो 19:1 का रेशियो होता है, मतलब 19 टाइम्स मिथाइल में रहना चाहेगा और 1 टाइम्स इथाइल में रहना चाहेगा। इधर ये चीज मिथाइल करीब चले जाते हैं तो और क्राउडिंग बढ़ गई, ये करीबन 400:1 का रेशियो आता है। आपको एग्जाम्पल नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना रेशियो, बस मैं बस आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे स्टेरिक बढ़ रहा है वो कहाँ किस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आंसर इज इक्वेटोरियल पोजीशन को। इसी तरह अगर यही चीज़ हैलोजन्स में होता ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये सारे कहाँ रहना चाहेंगे, अपने इक्वेटोरियल पे रहना चाहेंगे। हाँ, अब अगर तुम्हारे पास में एक क्लोरीन एक आयोडीन है और तुमको ऑप्शन पूछता है तो कोशिश करो दोनों ही इक्वेटोरियल पे, लेकिन अगर एक एक्सियल पे है और एक ट्रिप रखने को कहता है तो तुम किसको रखोगे, तुमसे कहता है नहीं भैया एक तुम्हें एक्सियल पे रखना है, तो बट ऑब्वियस है फ्लोरीन को तुम एक्सियल पे रखोगे और आयोडीन को रखोगे इक्वेटोरियल पे रखोगे। क्लियर कट है मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। चलो अब एक बात देखना, यहां पे फ्लोरीन है और यहां पे आयोडीन है एक केस, और दूसरे केस में फिर बना, ठीक है, सपोर्ट देना बस। दूसरे केस में यहां पे फ्लोरीन है और यहां पे आयोडीन है, तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो ये कौन सी पोजीशन, एक्सियल, ये कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल, ये कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल, ये कौन सी पोजीशन, एक्सियल। तो बल्कि ग्रुप कहां पे आ गया, एक्सियल पे आ गया है क्या, hence B is more stable than A, hence B is more stable than A, इसलिए स्ट्रेंथ का फायदा ऐसे उठाते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आप इस बात को एंजॉय कर रहे होंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कब स्टेबल है, एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं शायद मेरे पास, किसे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, भैया मोस्ट स्टेबल कौन सा है, देखो यहाँ पे बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप कौन सी पोजिशन बैठा है, ये बैठा है आपका इक्वेटोरियल पे, ये एक्सियल पे, ये बैठा है आपका इक्वेटोरियल पे और ये बैठा है एक्सियल पे, ये बैठा है एक्सियल पे, ये इक्वेटोरियल एक्सियल पे, और ये बैठा है इक्वेटोरियल पे, ये बैठा है इक्वेटोरियल पे, बट अब वैसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी, तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब मान लो सवाल कर ले कि बता उसके बाद कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो क्राउडिंग वाले को पकड़ो, क्राउडिंग वाला एक्सियल कहाँ बैठा है, इक्वेटोरियल पे, तो बी उठा लो। अब ये ए और ये डी, ए और डी में देखो तो दोनों ही आपके कहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो डी में दोनों ही एक्सियल पे हैं, काम खराब है, इसलिए ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, ठीक है। ये कंफर्मेशन आइसोमर्स की कहानी थी, इस कहानी को समझिए, इस कहानी को एंजॉय करिए, आपको अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच, बहुत पेशेंसली सुना इतनी लंबी क्लास को, ठीक है। अगेन मेरे कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा कोड धीरेन, इसी से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आपसे रिक्वेस्ट है, सो दैट आपको पता चलता रहे, ठीक है। इधर नोटिफिकेशन जरूर दबाना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन का पता चलेगा, एहसास होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी ला रहे हैं,
और हमारी पूरी टीम आपके लिए नया क्या ला रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।